वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स. आज हम देख रहे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स. नेम ऑफ द चैप्टर इज टेबल्स इन एचटीएमएल एंड सेशन 4 बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट. ओके, प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने देखा टेबल के एट्रीब्यूट्स जैसे टीडी, टीएच एक्सेट्रा. ओके, तो इस सेशन में हम लोग और भी टेबल के एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं जैसे कि बॉर्डर कलर. ओके, In this session, we will see how to change the color of the border. All right? तो जो हम लोगों ने देखा कि इसको टेबल के सेल्स को रोज को कॉलम्स को कैसे बॉर्डर देते हैं, राइट? तो वो जो बॉर्डर्स है उसको हम लोग कलर भी कर सकते हैं. तो यही हम लोग आज ये सेशन में देखने वाले हैं. All right? Main contents of the session is border color and BG color. Okay, जैसे मैंने बोला border color is used to change the color of the border of the table. Okay, table की जो border है उसका color change करने के लिए हम लोग border color का use करते हैं. और next है BG color. What is the use of BG color? BG color is used to change the color of the टेबल बैकग्राउंड. ओके, टेबल का जो बैकग्राउंड है सेल्स जो है उसका जो कलर होता है वो चेंज करने के लिए हम लोग बीजी कलर का यूज करेंगे. ऑलराइट, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं. आई हैव ओपन द नोटपैड. ओके, हम लोगों का ये टेबल टैग अभी स्टार्ट हो गया. अब टेबल में हम लोग क्या करेंगे, पहले विड्थ, सिर्फ विड्थ इज इक्वल टू सपोज 2. ओके, और नेक्स्ट हम लोग करेंगे, फर्स्ट हम लोग करते हैं बॉर्डर. यहाँ पे मैं टेबल का बॉर्डर चेंज करती हूँ. बॉर्डर का विड्थ हम लोग ज्यादा रखेंगे ताकि कलर समझ में आएगा. Then border color equal to red. Next, this is the end of the row. I'm copying this one.
ये मैंने टेबल के लिए कंटेंट्स टाइप कर ले, ओके। अब हम लोग इसे सेव करेंगे। सेव कर रही हूँ टीबी कलर डॉट HTML। I have saved। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे। Now see, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कौन सा कलर दिया था, रेड, राइट। लेकिन यहाँ पे जो कलर आया वो कौन सा कलर है, ब्लैक, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे रेड कलर है लेकिन यहाँ पे बॉर्डर में ब्लैक कलर आया, व्हाई? तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे बॉर्डर कलर इसमें स्पेस नहीं होगा और रेड में डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा, ओके। एंड अगेन आई एम सेविंग। नाउ ओपन दिस वन। अभी इसमें रेड कलर आया, राइट। ये रेड कलर की बॉर्डर है। अभी जो बॉर्डर कलर है वो हम लोगों ने देखा हाउ टू चेंज द बॉर्डर कलर। अब हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मतलब टेबल के बैकग्राउंड में जो कलर है वो हम लोगों को चेंज करना है, ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम लोगों को इसमें चेंज करना पड़ेगा। ये बॉर्डर कलर के जगह हम लोग करेंगे बीजी कलर, ओके। यहाँ पे मैं कोई लाइट कलर दे देती हूँ ताकि हम लोगों के कंटेंट्स अच्छे से दिख जाए। Border is equal to 2. All right. Now again we will save the file. See, यहाँ पे background में हम लोगों का pink color आया. All right. अब इसकी अगर width बढ़ानी है तो हम लोग जो previous session में देखा था वो हम लोग करेंगे. How to change the width? We have to add width attribute, width equal to 50%, okay. Again we have to save it. हम लोगों ने सेव किया और ओपन करने के बाद में इसकी width भी चेंज हो गई, okay. Width change, what is the background color, pink, and what is the border color, black. अगर हम लोगों ने अगर बॉर्डर कलर अगर नहीं दिया यहाँ पे, सी, अगर यहाँ पे हम लोग बॉर्डर कलर नहीं देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ग्रे आ जाता है, ऑलराइट। अगर डिफॉल्ट बैकग्राउंड जो बॉर्डर कलर जो होता है वो ग्रे होता है, ओके। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, we have learned about the background color of cell, okay, how to change that one, and at the same time hum logon ne dekha how to change the color of the border of the table. Table ke border ka color kaise change karte hain aur table ke background ka color kaise change karte hain ye hum logon ne dekha. Aapne dekha ki hum log bg color ya fir border color mein equal to color ka naam dete hain, okay. ये कलर के नाम के जगह में हम लोग कुछ इसके हेक्साडेसिमल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल रेड कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है FF00, ओके। लाइक ग्रीन की हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है 00FF00, एंड ब्लू की होती है 00FF, ओके। ये आरजीबी के मोड पे इसकी वैल्यूज फिक्स की जाती है, तो ये हेक्साडेसिमल फिक्स वैल्यूज है रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर की। तो हम लोग हेक्साडेसिमल वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली नेम का कलर का नेम भी यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। थैंक यू।